हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब अपने घरों में बढ़िया फिट एंड फाइन होंगे। तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है दिल्ली में, पर उससे भी हॉट गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। ये हमारी क्रेटा थी, क्रेटा है, उससे भी हॉट अपनी गाड़ियाँ खड़ी है। ये अपनी क्रेटा खड़ी है यहाँ पर, और ये 100 की 300 खड़ी है। दोनों गाड़ियाँ पेट्रोल में है, वो 1.4 टर्बो है और ये 1.2 टर्बो है। इसकी हॉर्स पावर 108 है और 200 Nm टॉर्क है भाई। ये 138 BHP 242 Nm टॉर्क है। क्रेटा के ओनर जो हैं वो 100 चला रहे हैं और 100 दूसरा भाई चला रहा है, और ये रहे हमारे 100 के ओनर भाई। भाई खास नरेला से आए इस काम के लिए बस यही है भाई, भाइयों का प्यार है और कुछ नहीं है। अब जो है चालू करते हैं, देखते क्या होता है। वैसे तो 100 को एडवांटेज दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इसमें पावर भी ज़्यादा और पैसे भी ज़्यादा हैं इसके। वैसे तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं इसके, तो उन्हीं का फर्क है बस। एसी ऑन रहेगा और मोड कर लिया मैंने इको, ये देख लो सबसे कम पावर देती है इको में। ट्रैक्शन ऑफ होएगा तो यहाँ लिखा आ जाएगा ट्रैक्शन हो गया ऑन, यहाँ कुछ नहीं लिखा आ रहा है। तीन जने हम बैठे हैं, अभय भाई, ललित भाई और मैं। भाई मेरा कैमरा पकड़ लेंगे और इसको मैं डाल दूंगा डी में। एस में भी नहीं कर रहा भाई, मैं डी में ही करूँगा। आप देख सकते हो 300 बहुत पीछे रह गई, जबकि हम इको में हैं और ड्राइव में हैं। अभी स्पोर्ट्स मोड में नहीं डाला ना, पैडल शिफ्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं, बट गाड़ी 140 चढ़ चुकी है यहाँ पे, देखो अगर आप। तो कोई मुकाबला ही नहीं है भाई, एसी में है, नॉर्मल हर जो चीज़ हो सकती है ना, सारी सुविधाओं के साथ चल रहे हैं हम। इतने कम्फर्ट में जीते हैं ऐसा लग रहा है कि कहीं घूमने जा रहे हैं। 300 वो देखो भाई साहब, शीशे में भी नहीं दिख रही ढंग से, इतनी पीछे रह गई। ऐसा लग रहा है वो 5 रुपए वाली बचपन में खिलौने आते थे ना, इतनी दूर दिख रही है। और ये बातें मैं तब बोल रहा हूँ जब 300 का ओनर हमारे पीछे बैठा है, कहेगा साले उतर तू। भाई और एडवांटेज चाहिए मेरे को। क्या चाहिए? काम करो, गाड़ी पीछे खड़ी करो। हाँ, जैसे ही मैं निकलूंगा तुम भगा लेना। कितनी पीछे करूँ बताओ? मैं क्या पीछे करूँ, आप आगे जाओ। अरे फिर पकड़ नहीं पाएगी यार, लंबी हो जाएगी ना। बताओ, हॉर्न मार देना। अरे मार दे भाई, क्या चाह रहा है ये? हो गया, ठीक है। तो भाई सेकंड राउंड ऐसे चालू हो रहा है, वो देखो 300 वहां खड़ी है इतनी दूर, और ये एडवांटेज दिया हमने 300 को। जब वो वहां से स्टार्ट करेगी फिर हम यहां से स्टार्ट करेंगे, और हम भाई अपना इको मोड में नॉर्मल घूमने निकले हैं, देखते हैं क्या होता है। अब की बार नहीं, पकड़ तो लेगी। पकड़ ली। देखो भाई, पकड़ ली। गैप भी बहुत ज्यादा था हमारी और उनकी, ज्यादा गैप था, बट स्टिल क्रेटा पकड़ लेगी एंड तक। ये पकड़ लिया, अभी पकड़ लिया, पकड़ लेगी भाई, पकड़ ली। ये गई एक्सयूवी पीछे, कितने पे? 160 पे ओवरटेक करा भाई, और अब खींच के ब्रेक लेने पड़ेंगे। बढ़िया ब्रेक है भाई गाड़ी के। रुक गई। परफॉर्मेंस है भाई गाड़ी में, परफॉर्मेंस है, लेकिन ये जो है ना ये क्वालिटी अच्छी नहीं है इनकी। क्या कहोगे आप भाई? ये नहीं जीत सकती। इको में चल रहा हूँ मैं, इको में चल रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी में आगे करा, लेकिन जीत गई जब। गैप बहुत था, राउंड करने का कोई फायदा नहीं है भाई। तो आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, क्रेटा कितनी आराम से जीत जाती है, जस्ट बिकॉज कि भाई पावर बहुत ज़्यादा है उसमें। ये 200 Nm, वो 242, और इंजन भी बड़ा है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि भाई हम कुछ भी एडवांटेज नहीं लेके चल रहे थे। एक्सयूवी को हमने बहुत लंबा एडवांटेज दिया, बट फिर भी एक्सयूवी जीत गई। और हम इको मोड में थे, एसी ऑन था, नॉर्मल बहुत ही ड्राइव मोड में था, स्पोर्ट्स मोड नहीं लगाया ना, पैडल शिफ्टर्स यूज़ करे, मतलब कुछ यूज़ ही नहीं करा। ट्रैक्शन तक ऑन था गाड़ी का, कोई भी स्पिन कुछ भी नहीं, बट स्टिल एनी डे क्रेटा जीत जाती है, क्योंकि भाई पेट्रोल टर्बो है तो हाथ आने ही नहीं देगी। एक्सयूवी महिंद्रा वाले अभी नए नए आए हैं पेट्रोल में, बट दे कैन इम्प्रूव। तो आज की बस ये वीडियो यहीं तक थी। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। यू नो द ड्रिल यार, कितनी बार बुलवाओगे? इंस्टा आईडी भी आ रही होगी स्क्रीन पे, जाके फॉलो कर लेना।